हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर में हो बहुत अच्छे से हो और आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इस छोटे से टॉपिक को एक अलग वीडियो बनाया है एंड द टॉपिक इज द फिजियोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इसको हम सर्कुलेशन में करेंगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है और this is a class 11th topic it is very important and that's why i'm doing it as a separate video and this is my methodology also to do small small portions in different videos so that whenever you're studying you get stuck in some question you can just see the video and do it so i hope you're all good you're all studying and let's start the today's topic that is the physiology of red blood cells cute se lagrein, but a cute cell but

so the first thing that we are going to see is the structure and the function of red blood cell or rbc mature or the third thing to list the factors which regulates the production and removal of rbc right from the circulation i don't know it got cut from the circulation ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वील ऑल्सो लर्न वाई इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड रिमूवल बिकॉज आरबीसी तो हम जानते ही हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो उसे रिमूव क्यों करना उसके प्रोडक्शन को क्यों रेगुलेट करना वी लर्न दिस सो स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग दैट इज टू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ आर बी सी स्ट्रक्चर ऑफ एन आरबीसी बहुत टाइम से हम कर रहे हैं काफी टाइम से छोटे क्लासेस में भी हमने पढ़ा है लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आरबीसी तो आरबीसी कैसी होती है इट इज अ बाई कॉन्केव डिस्क बेसिकली बीच में एक इंडेंटेशन होता है एक थोड़ी सी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए उसमें एक इंडेंटेशन होता है बाई कॉन्केव डिस्क की तरह होता है आपने डोनट देखा है यू मस्ट है डोनट डोनट में होल होता है बीच में सो so, बेसिकली उसमें होल नहीं है इट्स लाइक अ डोनट इट्स लाइक अ डोनट बस बीच में इंडेंटेशन है एक थोड़ा सा समझी थोड़ा सा दबाव सा है राइट सो दैट इज अ बाई कॉन्केव डिस्क ये आप देख रहे हो दैट्स लाइक अ डोनट बट दिस डोनट डज नॉट हैव अ होल अ डोनट विच डज नॉट हैव अ होल इसका शेप इस तरीके का होता है और इसको हमने अगर साइड व्यू से कट करके देखें तो ये हमें इस तरीके का दिखेगा बिकॉज़ ऑफली हमने इसको यहां से कट कर दिया अब इसमें ये शेप क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में कुछ भी यूजलेसली नहीं होता एवरीथिंग so क्यों इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं होते और क्यों ये बाई कॉन्केव होता है राइट इट इज बाई कॉन्केव विड अ लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज

Why does it lack organelles? इसमें organelles नहीं होते इसमें nucleus नहीं होता nucleus नहीं होता तो क्या नहीं होता nucleus नहीं होता तो DNA नहीं होता राइबोसोम नहीं होता राइबोसोम नहीं होता तो क्या नहीं होता देर इज नो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस सो वट डू वी मीन वेन वी से दैट देर इज नो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस वेन इट इज फॉर्म्ड द प्रोटीन दैट इट हैज इट विल कंटिन्यू टिल इट इज रिमूव्ड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता सो वट डू यू मीन से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसकी इनर्जी कहाँ से आती है अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो वेयर डज इट इनर्जी कम्स फ्रॉम द इनर्जी कम्स फ्रॉम ग्लाइकॉलिस नाइंटी परसेंट ऑफ द इनर्जी दैट कम्स दैट कम्स इट कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलिस हमने कहा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसमें क्या नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड नॉट राइट इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता राइट दिस इज नॉट प्रेजेंट और नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी फ्रॉम वेयर विल द एनर्जी कम सो आई टोल्ड यू द नाइनटी परसेंट ऑफ द एनर्जी विल कम फ्रॉम ग्लाइकॉलिस बाकी की टेन परसेंट विल कम फ्रॉम हेक्सो मोनोफॉस्फेट

ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू हिमोग्लोबिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमें अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करती है माइनर फंक्शन देट्स एक्सेलेंट हिमोग्लोबिन इज एन एक्सिले बफर आरबीसीबोनिक

RBC production and maturation, right? RBC का ka production कहाँ start होता है? ये question कई बार आता है. It starts in the bone marrow. Where it starts in the bone marrow? Bone marrow में pluripotent pluri hematopoietic stem cells होती हैं. Pluripotent hematopoietic stem cells that will give rise to proerythroblast. That will become

बट इसमें राइबोजोम्स प्रेजेंट होते हैं राइट बिकॉज इन दरिथ्रोसाइट्साइट आरबीसी मेंबसे हो जाता है रेटिकुलर साइट में देअर इज नो न्यूक्लियस राइट यहां पर राइबोजोम्स प्रेजेंट है एरेथ्रोसाइट पे राइजोम्स नहीं प्रेजेंट है रेक्टिकुलोसाइट में भी न्यूक्लियस देर इज नो न्यूक्लियस एरिस्ट में क्या होता है यहाँ पे हिमोग्लोबिन है कलर ऑफ द साइटोप्लास विल चेंज वाई बिकॉज हीमोग्लोबिन विल गिव अ रेड कलर टू द साइटोप्लास बेसिकली एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन सिंथसिस स्टार्ट हो जाता है and it loses its nucleus right it loses its nucleus in erythroblast so reticulocyte is almost like erythrocytes but it's my ribosomes present hote hain. and actually 1% of circulating rbc's jothem they are reticulo they are what they are reticulocytes

कौन से ऐसे है जो इसको रेगुलेट करते हैं आरबीसी को आरबीसी प्रोडक्शन को सो वील सी द नेसेसरी द वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन इज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ आरबीसी मेचुरेशन फर्स्ट पॉइंट इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया लाइक एग्जाम्पल अनिमिया और क्रोनिक हाइपोक्सीमिया मोस्ट ऑफ इट इज प्रोड्यूस बाई द किडनीज एंड स्मॉल हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है सो द किडनी इनक्रीज इन आरबीसी मेच्योरेशन जो आर बी सी का रेट ऑफ मेच्योरेन है इट इज इन द बॉडी सर्कुलेशन फॉर वन डे सो दिस हॉर्मोन What will this hormone do? It will increase the rate of RBC maturation, just finally, the output of the RBC is more, so that the transport of oxygen can be more. Thyroid hormones or testosterone be play, but they very important role. I have just written because you should know that thyroid and testosterone also play a very minor role in erythropoiesis. And what is erythropoiesis? That RBC production and maturation. What are the necessary nutrients? Iron is very important. Vitamin B12 and folate are also very important. These are the necessary nutrients. So, what are the three very necessary nutrients? Iron, vitamin B12, and folate. Learn it. Basically, vitamin B12 and folate help in the DNA synthesis. Right? They help in what? They help in the DNA synthesis.

easy to understand stickiness of the jo blood hair that will increase. If the blood will become more viscous, obviously there, there you will need a more pressure to push it, to pump it and due to which what will happen there will be an increase in cardiovascular events.

ब्लड पंप नहीं हो पाएगा अच्छे से बॉडी को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और उससे क्या होगा हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और कार्डियो इवेंट्स की दोज इवेंट्स विल इंक्रीज इन नंबर राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कार्डियो इवेंट्स विल इंक्रीज वेन वी आर 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 फ्यू फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट वी शुड यूज लर्निंग ऑल्सो लाइक यू कैन से दैट हार्ट विल इंक्रीज A better word to say is the frequency of cardiovascular events will increase. That's why I am focusing on this word again and again. Removal of RBC from circulation. Normal removal of aged RBCs predominantly occurs within the spleen. Right? This is very important. Normal removal of aged RBCs predominantly occurs within the spleen. Aged RBCs. This word is important. What do we mean by aged RBCs? Basically, jo 120 days in circulation hote hai, they need to be removed. They are aged RBCs. Why do they get spoiled? What we did that they are these RBCs due to their shape, they can pass through the thin capillaries.

जो मेटाबॉलिक प्रोसेसिस होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं उस वजह से हो जाती हैं सरफेस एरिया ओवर टाइम ड्यू टू आरबीसीबिलिटी क्यों क्योंकि डिक्रीज डिफॉर्मेबिलिटी राइट उनकी जो डिफॉर्म होने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है तो जब वो कम हो गई है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है डिक्रीज सरफेस एरिया हो गया रेपिटेटिव डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्क्स बार 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 वो अपने को डिफॉर्म कर रही है तो उससे क्या हो रहा है उनकी डिफॉर्मिंग कैपेसिटी कम हो गई है उससे सर्फेस एरिया कम हो गया है शियरिंग फोर्सेज फ्रॉम पासिंग थ्रू हार्ट बॉल्व जब वो हार्ट बॉल से जा रही है मुड़ रही हैं फिर जा रही है फोर्स से जा रही है सो so उससे भी दे आर गेटिंग सो दे पॉइंट why don't they last forever they don't last forever because of the oxidative damage and these are oxygen free radicals that are uh, produced during the oxygen radicals that are produced during the various metabolic process and they damage the RPC, unki membrane decrease surface area डिक्रीज सरफेस एरिया हो जाएगा तो उससे क्या होगा लेस लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रेपिटेटिव डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्क्वीजिंग थ्रू कैपिलरीज बार बार कैपिलरीज से जा रही है दे आर गेटिंग फोल्डेड उससे भी शेयरिंग फोर्सेस फ्रॉम पासिंग थ्रू हार्ट वेल सो रिमेंबर दीज आर द पॉइंट ड्यू टू बेच we need to the rbc's don't last forever and therefore we need to remove now we learned about the lifespan what is the lifespan it is about 120 days kuch kuch books 115 days bhi but generally we accept that 120 days is the lifespan of rbc's ruptured red blood cells are removed from circulation and destroyed by fixed phagocytosis macrophages in the spleen and लीवर, फेजोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? बेसिकली ये खा जाते हैं स्यूडोपॉड्स की तरह ये पढ़ा होगा हमने आपने आ, जैसे ये सेल है तो फेजोसाइटोसिस कैसे होती है? ये है यहाँ पे उसको कुछ खाना है तो बेसिकली एक स्यूडोपॉड्स निकलेंगे और फिर क्या होगा ये

जो ग्लोबिन पार्ट है मेजर प्रोटीन ग्लोबिन इज वॉट ग्लोबिन इज अ प्रोटीन ग्लोबिन इज वॉट इट इज अ प्रोटीन तो जो ब्रेक डाउन होगा तो वो अपने मोनोमर्स में बनेगा कॉन्स्टिट्यूंट्स में बनेगा अमीनो एसिड में बनेगा And that will go to the bone marrow and that will again form what? New erythrocytes. Fun. Globin is a protein, it will break into amino acids. It will go to the bone marrow. And bone marrow may kya ho hai? Remember the first line we said was in this lecture that the, its production starts in bone marrow. So bone marrow may fits in new erythrocytes ka formation. Mein it will help in the new uh, in the formation of new erythrocytes in the bone marrow. अब हम देखते हैं हीम पोर्शन में इन द हीम पोर्शन जो आयरन पार्ट है उसका क्या हो रहा है इट इज स्टोर्ड इन द लिवर और स्प्लीन हाउ इट इज स्टोर्ड इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड स्प्लीन और देन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड स्ट्रीम एंड देन इट फॉर्म्स न्यू एरिथ्रोसाइट्स तो क्या हो रहा है जो आयरन है हीम पोर्शन का वी हैव ऑलरेडी डन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सो नाउ वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट It is stored in the liver or spleen as ferritin or hemosiderin, and this is carried through the bloodstream by transferrin, and there it helps in the production of new erythrocytes. The non iron portion of heme is it is degraded into warden then to bilirubin. Bilivordin kya hai green color pigment hai. Bilirubin is a yellow pigment. This bilirubin will bind with albumin in the liver, and the, it will bind this bilirubin will bind with albumin and in the liver, it will help in the production of bile. And what is bile? We have already done it helps in the emulsification of fats. Fats, we have done it in digestion. So let us just revise breakdown products. So if we say Ek bar revise karte, aap bhi karo. ग्लोबिन है प्रोटीन इट इज प्रोटीन किसमें डिग्रेड होगा प्रोटीनो एसिड्स में डिग्रेड होगा अमीनो एसिड्स कहां जाएंगे बोन मैरो में जाएंगे और बोन मैरो में क्या होगा बोन मैरो में ये न्यू आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे जो आयरन पोर्शन है हीम का वो कहा जाएगा इट विल बी स्टोर्ड वेयर विल इट इट बी स्टोर्ड इट विल बी स्टोर्ड इन लिवर एंड स्प्लीन How it will be stored as ferritin or hemositrin. I hope you're writing with me and learning also. And then it is transported by in the bloodstream by transferrin, and then it will help in the production of new RBCs, right? Non-iron portion ka it will be degraded. Let us just revise non-iron portion ka it will be degraded into what?

बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा सब कुछ कर लिया में क्या होता है बहुत ही चार सौ टाइप के अनिमिया होते हैं बट बस कह देते हैं अनिमिया हो गया बेसिकली क्या होता है आरबीसी कम हो जाती है दैट्स अनीमिया आयरन डिफिशियंसी अनिमिया जब आयरन पोर्शन कम हो जाता है सेकेंड मेगालो <laughs> Blastic anemia, इसमें क्या होता है vitamin B12 and folate कम हो हो तो ये जाता है और तोमिया क्या होता है इसमें देर इज पुअर ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व एंड फोलेट आपकी डाइट में प्रेजेंट है आपकी

इसमें क्या होता है में इज नॉट टेकिंग प्लेस राइट इज नॉट टेकिंग प्लेस पॉलिसिथीमिया क्या होता है जब आरबीसी ज्यादा हो जाती हैं।

Increase. So basically, this is all about RBC. Yes, this is all about RBC. I hope you're studying. So stay home, stay safe, and please continue to study.